बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक जो सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा था वो था नेपोटिज्म के ऊपर, कि नेपो किड्स जो है वो बाहरी कलाकारों का मौका खा जाते हैं, उन्हें अवसर नहीं मिलता है, जबकि उनके अंदर बहुत टैलेंट पड़ा हुआ होता है, उनकी पूरी की पूरी करियर को बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन नेपो किड्स जिनके अंदर टैलेंट नहीं है उनको ही अवसर दिया जाता है। तो बॉलीवुड में भी दो धड़ों में ये चीज बटी हुई थी, कोई नेपोटिज्म के खिलाफ था तो कोई नेपोटिज्म के सपोर्ट में था। तो किसी का ये कहना है कि नेपोटिज्म सिर्फ इन स्टार किड्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है। इसी पर मनोज वाजपेयी का भी ये कहना है कि नेपोटिज्म जो है ये एक बेकार की बहस है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मनोज वाजपेयी का कहना है कि अधिकतर नेपोटिज्म का मतलब होता है व्यवहार और कनेक्शन से। अगर आप किसी के साथ अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप उसी के साथ काम करेंगे, आप किसी और को पसंद नहीं करेंगे। मतलब किसी को पसंद है कि अगर वो मेरे ताया जी के लड़की या लड़के के साथ काम करना चाहता है तो वो करे, उसके पैसे है, वो चाहे जहां पर लगाए, जिसको अपनी फिल्म में ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कुछ भी कर नहीं सकते हैं। मनोज वाजपेयी का कहना है कि समस्या फिल्म को दिखाए जाने में है, एग्जिबिटर्स जो होते हैं वो असल में भेदभाव करते हैं। मतलब किसी को आप 100 स्क्रीन दे देते हो और किसी को 25 स्क्रीन भी ना दो तो ये तो भेदभाव ही हुआ, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर छोटे लोग कहाँ जाएंगे, छोटी फिल्में कहाँ जाएंगी, जब आप सारी ही फिल्मों के स्क्रीन बड़े प्रोडक्शन हाउस को दे दो या बड़े कलाकारों को दे दो। जो जितना पावरफुल होता है इंडस्ट्री में वो उस पावर व्हील को उतनी ही तेजी से हमेशा घुमाते रहता है और उसका फायदा लेते रहता है। फेयरनेस की डिमांड सिर्फ एक ही इंडस्ट्री से करना ठीक नहीं है, यानी कि और भी इंडस्ट्री है जहां पर नेपोटिज्म है। वैसे देखा जाए तो साउथ में भी जो साउथ के बड़े बड़े कलाकार हैं उनके बच्चे भी तो इंडस्ट्री में हैं। तो नेपोटिज्म को लेकर ये जो बहस है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। मनोहर वाजपेयी इन दोनों अपनी फिल्म गुलमोहर को लेकर चर्चा में है, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो बॉक्स ऑफिस का तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि फ्लॉप हो गई कि क्या हो गई, जिसको देखना होगा जाकर देखेगा। और लेकिन एक बात तो ये सच है कि ये जो बॉयकॉट वाली मुहिम थी ये वाकई में पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि खत्म होने के कगार पर है। सिर्फ आप कह सकते हैं कि 5% ही बॉयकॉट वाली चीजें सोशल मीडिया पर दिख रही है, और गुस्सा भी जो लोग बॉयकॉट कर रहे थे सोशल मीडिया पर अब वही सेलिब्रिटीज की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के कॉमेंट्स देखकर ही आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि समय का पहिया किस तरफ घूम रहा है, घूम रहा था और अब घूम चुका है। यानी कि पहले तो लोग बॉलीवुड की तारीफ किया करते थे सुशांत की मौत के पहले, फिर उसके बाद हिंदू धर्म पर हमले, फिर उसके बाद कॉमेडियंस जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते थे, फिर सुशांत की मौत, उसके बाद नेपोटिज्म और बाकी सारी चीज़ों का मुद्दा और बॉलीवुड के प्रति जो बॉयकॉट वाली चीज़ थी बहुत फैली हुई थी। लेकिन आपको ये मानना होगा कि वाकई में बॉलीवुड की जो बॉयकॉट वाली चीज़ थी ये पूरी तरह से खत्म हो रही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा आएगा, कुछ निकलेगा, तो जरूर एक बार थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो सकती है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 2-2.5 साल जो भी चला अब इसके बाद बॉलीवुड का बॉयकॉट नहीं होने वाला है। जनता को फिल्म पसंद आएगी तो वो देखेगी जाकर, नहीं आएगी तो नहीं देखेगी, और यही रियलिटी है, यही आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो बॉयकॉट बॉयकॉट करते रहते हैं लेकिन रियलिटी में जाकर सारी फिल्मों को देखते हैं।